गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछली क्लास में लास्ट में शायद हम कारनोट थ्योरम की तरफ थे और हमने उसका प्रूफ भी किया था, है ना? सही बोल रहा हूं मैं? वहीं थे आप लोग शायद परसों की क्लास में। बताइए मुझे, कारनोट थ्योरम के प्रूफ पे थे हम? ठीक है। और देखो, उस पे बेस्ड किस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कारनोट थ्योरम पे बेस्ड। आपको ये दे दिया कि ये एक सोर्स है 127 डिग्री सेल्सियस पे, ये एक सिंक है 27 डिग्री सेल्सियस पे, यहां पे ये कोई भी एक इंजन बनाया है, इस इंजन को एक साइकिल में मान लो 100 जूल एनर्जी मिलती है, एक साइकिल में 100 जूल एनर्जी मिलती है, और ये जो वर्क कर रहा है दैट इज W। तो W कैन बी पहला ऑप्शन है 100 जूल, दूसरा ऑप्शन है 50 जूल, तीसरा ऑप्शन है 30 जूल एंड चौथा ऑप्शन है 20 जूल। ये आया कि भाई 100 जूल एनर्जी लेके ये कितना वर्क कर पाएगा, ये हमें निकालना है। कीजिए इसको जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से। हाँ जी बताओ, कुछ आया? अगर हम इसको सोल्व करें तो सबसे पहले आप T1 बताओ T2 आ रहा है कितना आ रहा है, क्या आंसर है? नहीं देखो, अब इधर सुनो, पहले T1 बताओ, T1 कितना है? मैं बताता हूं आपको अभी, T1 कितना है बताओ, डायग्राम देख के। 500 केल्विन। T1 है, केल्विन में इसे कन्वर्ट कर लेना, तो 127 प्लस 273 कितना आया T1? 500, 400, फोर 400, हंड्रेड केल्विन। T2 कितना आ रहा है? T2 300 केल्विन। अब देखो, अकॉर्डिंग टू कारनोट थ्योरम के अकॉर्डिंग इनके बीच में काम करने वाले किसी भी इंजन की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सकती है दैट इज 1 माइनस T2 अपॉन T1, 1 माइनस 300 अपॉन 400, 1 माइनस 3/4, यानी कि कितनी आ रही है मैक्सिमम एफिशिएंसी? 1/4। 1/4। इट मींस W अपॉन Q1, एफिशिएंसी तो यही होती थी, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 1/4। Q1 तो आपको क्वेश्चन में ही फिक्स दे रखा है 100 जूल, तो W अपॉन 100 जूल इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है दैट इज 1/4। तो आप बताओ W मैक्स कितना आ रहा है इस इंजन का, W मैक्स कितनी? 100/4, 25 जूल। यानी कि ये इंजन ज्यादा से ज्यादा 100 जूल का 25 जूल बना सकता है, तो बताओ इनमें से क्या आंसर आएगा? 20। W कैन बी, इसका आंसर आ गया 20 जूल, 25 मैक्सिमम हो सकता है, उससे कम कुछ भी। अच्छा, इसी सवाल में ऑप्शन ऐसे भी बना के दिए जा सकते थे,
कि W कैन नॉट बी, अब उसमें पहला ऑप्शन है 20 जूल, दूसरा ऑप्शन है 22 जूल, तीसरा ऑप्शन है 25 जूल एंड चौथा ऑप्शन है 30 जूल। अब क्या आंसर आता बताओ? 30 जूल, 30 जूल। हाँ, क्योंकि मैक्सिमम 25 हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कार्नोट थ्योरम इस तरह से न्यूमेरिकल्स में यूज हो जाती है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इससे आगे आगे ना सर, कार्नोट थ्योरम में कोई डाउट तो नहीं बचा होगा अभी? हम बस थोड़ी देर में या अगले लेक्चर में केटीजी स्टार्ट कर ही लेंगे। अच्छा, केटीजी में एक टर्म आती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मुझे लगता है कैलोरीमेट्री में पढ़ चुके आप वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और डेप्थ में आएगी, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, इस तरह से हम शुरुआत वहीं से कर लेंगे। पहले एक बार आज की क्लास में कुछ ये थर्मो पे ही कुछ इस तरह की चीजें ले लेते हैं, जैसे अभी ये कार्नोट थ्योरम पे न्यूमेरिकल लिया। अब जो मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं फिलहाल, दैट इज फ्रॉम जेई मेन 2016। इस क्वेश्चन में यह था कि एक पीवी कर्व आपको दिया गया, इनिशियल प्रेशर 2p नॉट एंड इनिशियल वॉल्यूम वाज वी नोट, ये शुरुआती उसकी वैल्यूज थी, ये ए है इनिशियल स्टेट, यहां का ये स्टेट बी थी, वॉल्यूम वाज 2v नोट एंड प्रेशर बिकम्स पी नोट। तो आप इस बार, पहले तो सवाल देने से पहले मैं आपसे पूछूं, क्या पी वन वी वन बराबर पी टू वी टू है कि नहीं? जी, P1 V1 बराबर P2 V2 है कि नहीं? इसमें P इनिशियल V इनिशियल बराबर P फाइनल V फाइनल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ? आ रहा है सर। आ रहा है ना, P1 2 P नॉट, V1 V नॉट, P2 P नॉट एंड V2 2 V नॉट, तो 2 P नॉट V नॉट ही बना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पूरी प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहा होगा या नहीं? यस सर। नो, अगर पूरी प्रोसेस में पीवी कांस्टेंट रहे, पी इनटू वी, तो आप कह सकते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहां इतनी सी जानकारी देके केवल ये पता लगता है कि इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर। अब अगर कर्व वो हाइपरबोलिक कर्व होता तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता, लेकिन जेई के इस क्वेश्चन में कर्व एक स्ट्रेट लाइन था, ये आपको ग्राफ दिया था एक स्ट्रेट लाइन, तो क्या ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी या नहीं? सर, नहीं कर रहा ना। इसका मतलब हमें खुद आइडिया लगा लेना चाहिए कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 का ये मतलब नहीं कि पूरी प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहा होगा, इसका मतलब है केवल इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर कांस्टेंट रहा होगा। तो आपसे इस सवाल में पूछा गया था कि टी मैक्स मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस ए टू बी इज, अब मैक्सिमम प्रेशर टेम्परेचर कितना रहा होगा, इसके ऑप्शन में लिखता हूं।
पहला ऑप्शन है 9/4 पी नोट वी नोट अपॉन एन आर। अच्छा ये आपको दिया गया था, एन क्वेश्चन में बोला गया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस है 9/4 पी नोट वी नोट अपॉन एन आर। दूसरा 3/2 पी नोट वी नोट अपॉन एन आर। तीसरा 9/2 पी नोट वी नोट अपॉन एन आर, यह आपका है थर्ड ऑप्शन। एंड फोर्थ इज 9 पी नोट वी नोट अपॉन एन आर। ये था आपका अगला सवाल। देखिए एक बार सोचिए इसके बारे में, फिर हम करते हैं इसको डिस्कस। देखो जब मैक्सिमम टेम्परेचर की बात की है तो इसका मतलब टेम्परेचर वेरी तो कर रहा है, और मैक्सिमम वर्ड आने का मतलब पहले टेम्परेचर बढ़ा होगा और फिर टेम्परेचर क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। ये बात तो आ गई ना आपको समझ। हाँ भाई बोलो। यस सर। अगर इन्होंने क्वेश्चन में ही बोला है कि मैक्सिमम टेम्परेचर बताओ, इसका मतलब पहले तो टेम्परेचर बढ़ा होगा और फिर जो है वो टेम्परेचर कम हुआ होगा। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है थोड़ा बड़ा तरीका, उसमें तो आपको क्या करना होता है, पहले टेम्परेचर लाना होता है एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम और फिर डिफरेंशिएशन करके डीटी बाई डीवी को कर दीजिए जीरो। देखो दो मेथड है इसको करने के, पहला जो प्रॉपर मेथड है लेकिन बड़ा है थोड़ा सा, दूसरा होगा एक शॉर्ट ट्रिक जो हम याद रखेंगे। मेथड फर्स्ट कहता है कि राइट T as a function of volume and put dT by dV equal to zero to get T max. ये आपका फर्स्ट मेथड है। इसमें क्या होता है, पहला मेथड दिख तो रहा है, मैं थोड़ा सा इसे पीछे करूं। अब ये T as a function of volume ये कैसे लाएं? भाई एक इक्वेशन तो आपको स्ट्रेट लाइन दिखा रखी है, वहां से हमें बनानी आनी चाहिए y इक्वल टू mx प्लस c टाइप, और एक इक्वेशन pv इक्वल टू nrt, उनसे ले आओ t एज अ फंक्शन ऑफ v। ये काम आप खुद करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। पहले तो आप क्या करें, ये कैसे लिखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन ab। नॉन मेडिकल के बच्चे जानते हैं कि अगर एक लाइन के दो पॉइंट पता हो, जैसे जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट आपका क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ए का है वी नोट एंड वाई कोऑर्डिनेट है टू पी नोट, बी का एक्स कोऑर्डिनेट टू वी नोट एंड वाई कोऑर्डिनेट पी नोट, ये एक्स वन वाई वन ये एक्स टू वाई टू। तो क्या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जानते हैं हम लिखना, अगर दो पॉइंट पता हो तो? वाई माइनस वाई वन, वाई वाई है पी प्रेशर, P माइनस वाई वन, वाई वन मान लो ये माना मैंने, सपोज ये टू पी नोट इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू में इसको बोल रहा हूं, मैंने इसको एक्स वन बोला है, इसको वाई वन बोला है, इसको एक्स और इसको वाई टू, वाई टू माइनस वाई वन माइनस पी नोट अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन v नोट, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू दिस थिंग स्लोप वाली इंटू एक्स माइनस एक्स वन, अब x है v और माइनस v1 इधर से देखा आपने, x माइनस x1 आपका है v नोट। आप एक बार मुझे बताओ कि आपको ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखनी आ गई है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब यहां से आप थोड़ा ठीक ठाक करके मुझे चाहिए, यहां से मैं p ले आऊं तो p आया, इस 2p नोट को उधर भेज दो, 2p नोट माइनस p नोट बाई v नोट इंटू v
एंड अगली टर्म प्लस पी नॉट, तो पी बराबर आ गया थ्री पी नॉट माइनस पी नॉट अपॉन वी नॉट और इनटू वी, और यू कैन से पी इज इक्वल टू नेगेटिव तो स्लोप है और वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो इस तरह की लाइन ये दिख भी रही है, स्लोप नेगेटिव है और वाई इंटरसेप्ट पीछे पॉजिटिव जा रहा है, आपके पास पी आ गया। नाउ यूज पीवी इक्वल टू एनआरटी, अब आप पीवी इक्वल टू एनआरटी का यूज करके और यहां से टी बराबर आया पीवी अपॉन एनआर, इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर टू, यहां से पी की वैल्यू इक्वेशन टू में पुट कीजिए, मैं एक बार ये ऑप्शन हटाऊं, आपने लिख लिए हैं कि नहीं ऑप्शंस? यस सर। ठीक है, अब एक बार हम ऑप्शन हटा के देखते हैं कि कैसे इसको काम को, मैं होमवर्क नहीं, मैं करवा ही रहा हूं ये फर्स्ट पार्ट भी, मेथड फर्स्ट जो है वो भी हम कर ही रहे हैं यहां पे। उसके बाद आपको क्या करना था कि यूज इक्वेशन वन इन इक्वेशन नंबर टू, तो आपने ये पुट किया टी बराबर वी बाई एन आर तो अलग है और इनटू पी है, तो ये पी की ये पूरी वैल्यू आपने डाल दी माइनस पी नॉट बाई वी नॉट इनटू वी प्लस थ्री पी नॉट, तो मेरे पास आ गया टी इज इक्वल टू माइनस पी नॉट अपॉन एन आर वी नॉट इनटू वी का स्क्वायर एंड प्लस थ्री पी नॉट अपॉन एन आर इनटू वी। आप बताओ क्या आपके पास टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम आ चुका है या नहीं, ये समझ आया कैसे लाए हम? हाँ भाई क्लियर है, टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम आ गया। ठीक है, उसके बाद फॉर टी मैक्स, मैक्सिमम पे डिफरेंशिएशन जीरो होता है, किसी को शक लगे कि मिनिमम पे भी जीरो होता है तो डबल डिफरेंशिएशन करके चेक कर सकता है, बाकी क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम ही मिलेगा। तो आप डी टी बाई डी वी निकालो, इक्वेशन स्टार से मैंने निकाला डी टी बाई डी वी, डी टी बाई डी वी फर्स्ट डिफरेंशिएशन माइनस पी नॉट अपॉन एन आर वी नॉट तो कॉन्स्टेंट आ गया और वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा टू वी, वी के रिस्पेक्ट में, और अगले का बना प्लस थ्री पी नॉट बाई एन आर और डीवी बाई डीवी हो गया वन और इसको कर दीजिए जीरो, तो आप मुझे यहां से वी बताओ वी कितना आ रहा है, डी टी बाई डीवी जीरो किया तो उससे बताएं कि वी कितना आया, बता रहे हो सिंप्लीफाई करके यहां से वी कितना आ रहा है, ये दिख रहा है इसमें सब कुछ कॉमन वॉमन आके माइनस थ्री वी नॉट बाई टू, माइनस नहीं प्लस, ये माइनस लगा है ये प्लस है तो ये तो प्लस होना ही है, क्या ये आ गया कि नहीं, यहां से इसको जीरो करके वी बराबर थ्री बाई टू वी नॉट है ना। ठीक है, इस वॉल्यूम पे डी टी बाई डीवी जीरो है यानी कि वहां पे टेम्परेचर मैक्सिमम है, तो यूज इन इक्वेशन स्टार, इक्वेशन स्टार में जहां भी वॉल्यूम की टर्म है उसकी जगह ये रख के आप टेम्परेचर निकाल के लाओ, वो जो आएगा वो टी मैक्स ही आएगा, टी मैक्स दैट इज इक्वल टू माइनस पी नॉट अपॉन एन आर वी नॉट और इनटू वी का स्क्वायर, वी का स्क्वायर बना नाइन बाई फोर वी नॉट स्क्वायर प्लस थ्री पी नॉट अपॉन एन आर और इनटू वी, वी आपका है थ्री बाई टू वी नॉट, तो नाइन बाई टू पी नॉट वी नॉट बाई एन आर तो उधर है और माइनस नाइन बाई फोर पी नॉट एट वी नॉट बचेगा अपॉन एन आर इधर है, तो नाइन बाई टू में से नाइन बाई फोर गया तो शायद नाइन बाई फोर बच गया, तो ये आपका आया नाइन बाई फोर पी नॉट वी नॉट अपॉन एन आर, कौन सा ऑप्शन है ये उनमें से जो आपने अभी किए थे, समझ आ गया होगा कैसे किया हमने? फर्स्ट,
ठीक है, ये तो था फर्स्ट। फर्स्ट। हाँ ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। ये था थोड़ा पूरा मेथड, मैथमेटिकली आप कैसे जाएं। अब इसके बाद हम एक शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं। आप पहले ये नोट कर लीजिए, अब ऐसे सवाल जब भी आए जिनमें हाइपरबोलिक कर्व नहीं है, कोई और कर्व आपको दे रखी है और इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है, तो इसका यह मतलब है कि बीच में हाइपरबोलिक कर्व पे आप आए तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहा होगा, उससे भी नीचे से कर्व आएगी तो पहले टेम्परेचर कम हुआ होगा बाद में बढ़ा होगा, और उससे ऊपर कोई कर्व आती है तो पहले टेम्परेचर बढ़ा होगा और बाद में कम हुआ होगा। क्या ये बात समझ आ रही है क्या जो मैं बता रहा हूं अभी? दोबारा सुनो, अगर पीवी कर्व हाइपरबोलिक है और इनिशियल और फाइनल वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब पूरी प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। हाइपरबोलिक कर्व से ऊपर कोई भी कर्व बनी है तो पहले टेम्परेचर बढ़ा होगा फिर कम हुआ होगा, लेकिन इनिशियल फाइनल सेम। उससे नीचे कोई भी कर्व आ रही है तो पहले टेम्परेचर कम हुआ होगा फिर ज्यादा हुआ होगा, लेकिन इनिशियल फाइनल सेम है। क्या ये बात समझ आ गई है? यस सर। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट डायरेक्ट ये कैसे होता, मिटा दो भाई, हो गया ना। ये तो मेथड सेकंड पे हम चलें, देखो हमें ये तो दिख रहा है इस सवाल में, मेथड सेकंड अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, हमें एक चीज तो नजर आ रही है इस क्वेश्चन में कि P इनिशियल V इनिशियल दैट इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल, और वो वैल्यू आ रही है 2P0V0, यानी कि NRT इनिशियल दैट इज इक्वल टू NRT फाइनल आइडियल गैस इक्वेशन से। इट मींस T इनिशियल इज इक्वल टू T फाइनल। लेकिन अगर ये ग्राफ हाइपरबोलिक होता, अगर ये ग्राफ इस तरह का होता यूं हाइपरबोलिक, तो पूरे रास्ते टेम्परेचर कांस्टेंट रहा होता, लेकिन ये इससे ऊपर है, इसका मतलब पहले टेम्परेचर बढ़ा होगा फिर टेम्परेचर कम हुआ होगा। तो आपको ऐसे में जब भी कभी मैक्सिमम निकालना हो आप उसका सिमेट्री पॉइंट, मिड पॉइंट ढूंढ दिया कीजिए। सिमेट्री पॉइंट कहां है? सिमेट्री पॉइंट ए और बी के बिल्कुल बीच वाला पॉइंट। भाई उस वक्त वॉल्यूम कितना होगा बिल्कुल बीच में अगर आप देखते हैं, तो मैं इसे मिड पॉइंट वही बोल तो रहा वी हूं, नोट या वी वी नोट नॉट, ये टू वी वी नॉट, तो वॉल्यूम कितना हो गया यहां? 3/2 V0 है ना, आ गया समझ? प्रेशर भी दिख रहा है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की तरह जा रहे थ्री हैं, बाई टू वी नोट तो प्रेशर भी कितना हो गया? 3/2 P0। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, टी मैक्स इज एट मिड पॉइंट ऑफ कर्व ए बी, यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन आप लगाओ एट पॉइंट एम, आइडियल गैस इक्वेशन एट एम, पीवी इक्वल टू एन आर टी, यहां पे जो प्रेशर है दैट इज 3/2 P0, यहां पे जो वॉल्यूम है दैट इज 3/2 V0 बराबर एन इंटू आर, और यहां पे जो टेम्परेचर है दैट इज टी मैक्स। आप बताओ कि इससे वही आंसर आ रहा है कि नहीं? सर। तो ये तो एक शॉर्ट ट्रिक है क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो ऐसे क्वेश्चन फिर आ जाएंगे, फिर आ सकते हैं। अच्छा सवाल ये है, तो आप ये वाला मेथड भी अपना नोट कीजिए।
अच्छा इस ट्रिक को यूज करवाते हुए एक और सवाल दूं आपको। अब मेथड फर्स्ट पे नहीं जाना, मेथड सेकंड से, और स्ट्रेट लाइन नहीं, कुछ और कर्व लेते हुए। अच्छा बताएं, हो गया हो तो मिटाऊं। सर देखो ये तो जेई में आया था। अब मान लो जो इससे शॉर्ट ट्रिक जो हम सीख रहे हैं, कोई और आपको क्वेश्चन दे दिया जाए इसी टाइप से, ये पी है ये वी है। अच्छा वैल्यूज स्टार्टिंग हुई ये 2P0 एंड V0 और ये P0 एंड ये 2V0, ये A है ये B है, इस तरह का है। लेकिन मान लो आपको ग्राफ के नाम पे कुछ और ग्राफ ले लें हम, जैसे कि क्वार्टर सर्कल लिया जा सकता है यहां से यहां। हाँ भाई समझ रहे हो, क्वार्टर सर्कल। एक सर्कल का 1/4 पार्ट ये आपको दे दिया, दिस इज अ क्वार्टर सर्कल, दिस इज अ क्वार्टर सर्कल, ठीक है। और आपसे बोला गया है कि नंबर ऑफ मोल्स गैस के, आइडियल गैस के एन ही थे, तो आपको टी मैक्स बताना है कि कितना होगा। ऑप्शन छोड़ो, तरीका तो एक बड़ा मेथड तो वही होता है, इक्वेशन बनाओ सर्कल की, फिर पी वी इक्वल टू एन आर टी से टी एज ए फंक्शन ऑफ वी लाओ, फिर डिफरेंशिएट करो। लेकिन अभी जो हमने तरीका सीखा उसके हिसाब से हम कैसे करें इसको। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है ऐसे सवाल में, देखो टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर फाइनल सेम है, और ये हाइपरबोला से ऊपर एक, और यानी कि पहले टेम्परेचर बड़ा होगा फिर कम हुआ होगा, तो क्या आइडेंटिफाई करना होगा। चलिए आप कीजिए एक बार ये ट्राई, मिड पॉइंट आइडेंटिफाई करके आप इसको ट्राई कीजिए। मिड पॉइंट कहाँ है इसका, सेमी सर्कल का मिड पॉइंट, क्वार्टर सर्कल का मिड पॉइंट यहां होगा भाई, बिल्कुल बीच में। अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है तो सिमेट्रिकली ये एंगल कितना हो गया आपका, 45 डिग्री। समझ आ रहा है क्या, डायरेक्ट मेथड कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं, यस सर। ठीक है। तो ये मिड पॉइंट पे आप आइडियल गैस इक्वेशन ही लगानी है आपको, तो आपको एक तो यहां पे प्रेशर चाहिए और एक यहां पे वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम में कहता हूं लेट वी एम, प्रेशर में कहता हूं पी एम, और टेम्परेचर जो होगा यहां पे दैट विल बी टी मैक्स। तो आपने क्या किया, यहां इस जगह आइडियल गैस इक्वेशन लगाई, आइडियल गैस इक्वेशन, तो पी एट एम इंटू वी एट एम इज इक्वल टू एन आर इंटू टी मैक्स। तो मेरा जो टेम्परेचर मैक्सिमम निकल के आया दैट इज पी एट एम इंटू वी एट एम अपॉन एन आर, ये निकल के आया पी एट एम इंटू वी एट एम अपॉन एन आर, ये आ गया।
अब इसमें एक चीज देखिए, ये पीएम वीएम ज्योमेट्रिकली ही हमें निकालना है और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं करना, ज्योमेट्रिकली निकालना है। देखो पहले मैं ये वीएम तक पहुंचाता हूं आपको। ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, वी नोट, ये वी नोट, तो ये भी वी नोट, सर्कल का रेडियस अगर ये वी नोट है, मैं इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए सी बोल देता हूं, तो सी एम भी वी नोट हो जाएगा कि नहीं, रेडियस है ठीक है, और सी एम अगर वी नोट है तो ये बची हुई ये लेंथ कितनी होगी, ये हमें ये पता लगा कि भाई ये वाली लेंथ तो वी नोट है ठीक है, तो क्या ये वी नोट कोस 45 लिख सकता हूं मैं? देखो ये वी नोट तो ये पूरी वी नोट, ये सर्कल का रेडियस है तो ये भी वी नोट, तो ये जो पार्ट है वी नोट कोस 45 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? यानी कि दिस थिंग इज वी नोट कोस 45 डिग्री, समझ आ गया? बोलिए प्लीज, समझ आ गया ये? यस सर। और ये इतनी लेंथ तो वी नोट है ही, तो आप बताओ वी एम कितना आया, ये पूरी लेंथ वी एम कितना आया? वी नोट बाय रूट 2। ना दोबारा बोलो यार, वी एम कितना आया, यहां से पूरा होता है ये कोऑर्डिनेट, वी नोट प्लस वी नोट कोस 45 डिग्री, वी नोट प्लस वी नोट बाई रूट 2। आ गया, समझ आ गया? वॉल्यूम एक्सिस पे बताएं, क्लियर हुआ? यस सर। अब ऐसे चलो प्रेशर एक्सिस पे, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, टू पी नोट, टू पी नोट माइनस पी नोट, यानी कि ये जो पूरी लेंथ है दिस इज पी नोट, एसी पी नोट थे तो सर्कल का सेंटर से रेडियस ही बन रहे, तो सीए और सीएम बराबर हैं, तो ये लेंथ भी कितनी होगी पूरी पी नोट, पिछली बार इधर से आ रहे थे तो ये वाली लेंथ थी वी नोट बन रही थी, इस बार इधर से आ रहे हैं तो ये वाली लेंथ थी पूरी पी नोट, और मुझे तो ये इतना पार्ट चाहिए, ये क्या मैं इसको लिख सकता हूं पी नोट साइन 45 या कोस 45 कुछ भी? साइन 45। हाँ एक ही बात है, वो तो दोनों की वैल्यू बराबर आएगी, इधर वाला 45 बना दो चीज है ना, यानी कि ये जो आपकी लेंथ है ये आपकी लेंथ होगी पी नोट बाई अंडर रूट 2, और ये पूरी लेंथ है पी नोट, तो पी एम कितना हुआ, पी एम हाँ पी नोट प्लस पी नोट बाई अंडर रूट 2, इन दोनों को इसमें यूज करेंगे तो मेरा जो टी मैक्स आया, टी मैक्स पी नोट प्लस पी नोट बाई रूट 2 इंटू वी नोट प्लस वी नोट बाई रूट 2 एंड डिवाइडेड बाई एन आर। तो ये जो जेई 2016 वाला जो क्वेश्चन हमने पिछला लिया था उसका प्रॉपर मेथड करके जो शॉर्ट ट्रिक बनी सेकंड अरेंजमेंट से, उसी से हमने ये सवाल सोल्व कर लिया, नहीं तो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा जाता ठीक है। तो ऐसा कोई भी पार्ट आए तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, आप ये नोट कीजिए। तो भाई अब मुझे ये बताओ कि आपको थर्मोडायनेमिक्स समझ आ गया कि नहीं, थर्मोडायनेमिक्स? यस सर। ठीक है, अब इसमें हमारा एक पार्ट बचता है केटीजी, लेकिन उससे पहले आपको कर क्या लेना, मैं अगली क्लास से केटीजी स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से हम आगे बढ़ेंगे, जो आपने पीछे थोड़ा पढ़ा है कुछ गैसेज में भी आगे लगाएंगे, लेकिन अब आपको कर क्या लेना है इसमें, जो जरूर करना है, पहली चीज मैंने आपको एक असाइनमेंट बना के दिया था ओनली फ्रॉम एचसीवी, ऑब्जेक्टिव भी थे और एक्सरसाइज भी थे, दिया था कि नहीं बताओ, है आपके पास वो असाइनमेंट या बुक हो आपके पास एचसीवी?
असाइनमेंट डाल दिया मैंने आपके ग्रुप पे क्या सर? वो पीडीएफ एक बार फिर से भेज देना। पीडीएफ फिर भेज दूंगा उसकी आप। मैं ना सुनो, मैंने उसके वीडियो सॉल्यूशंस पूरा खुद एक एक सवाल बहुत डिटेल में करके रिकॉर्ड कर लिए कर रखा है, तो मैं आपके ग्रुप पे इसके बाद, इस आज के लेक्चर के बाद, वो दो लेक्चर हैं जिनमें पूरा एचसीवी का वो चैप्टर प्रॉपरली डिस्कस्ड है, क्या वो डाल दूं वीडियो सॉल्यूशन, ताकि आपको कोई डाउट आए तो आप वहां से देख सकें। यस सर। देखो मैंने ही सॉल्व किया, किसी और का नहीं, मैंने प्रॉपर इसी बोर्ड पे, और पूरा का पूरा रिकॉर्डेड है उस चैप्टर का, तो मैं वो आपके लिए डाल दूंगा आज की क्लास के बाद, पहले ये उसके बाद वो, लेकिन आप वो चैप्टर एक बार जरूर अपना पूरा अटेम्प्ट कर लीजिए, है ना। दूसरी बात, एनसीईआरटी आपने कल बताया कि हमने खरीदी नहीं है, तो कोई बात नहीं यार, एनसीईआरटी वैसे कर लेनी चाहिए, पतली सी बुक है वो, बहुत काम आती है। कल वो एक फ्री एक्सपेंशन करवाए थे मैंने उस दिन पिछले लेक्चर में, है ना, वो डायरेक्ट वही पूरा पूरा सवाल बना के दे रखा है। और तीसरी बात, अगर आपने मॉड्यूल आपके कौन से चलवा रखे हैं, रेजोनेंस वाले, तो उससे भी हम थर्मो करते हैं, अभी आपके स्कूल खुलने वाले हैं, हम मिलते हैं फिर थोड़ा सा और डिस्कशन लेके चलेंगे, है ना। लेकिन कल से हम अपनी क्लास में केटीजी स्टार्ट करते हैं, और आज मैं ये कहूंगा एचसीवी वाला असाइनमेंट आज आप कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। केटीजी एक आसान पार्ट है इसका, तो हमें कोई इतनी दिक्कत भी नहीं आएगी, और एक तारीख से जब हम ऑफलाइन मिलेंगे तो एसएचएम वाला पार्ट तब तक स्टार्ट कर लेंगे, उसी दिन करेंगे, उससे पहले हम दो तीन दिन में, चार दिन में अपना केटीजी वाला पार्ट यहां पे करते हैं, ठीक है भाई। आगे कल बढ़ते हैं, थैंक यू। यस सर।